हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवी मीटर। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे इनटू द ग्रिजली मेज मूवी की। यह एक क्रिएचर थ्रिलर मूवी है। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए, जिससे मेरी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमने हमारी चैनल पर ऐसे ही क्रिएचर मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाई है। मैं ऐसी सभी मूवी की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वहाँ से वो सभी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए अब इनटू द ग्रिजली मेज मूवी की स्टोरी पर फोकस करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में अलास्कन जंगल का सीन दिखाया गया है। उस जंगल में ग्रिजली मेज नाम की एक खतरनाक जगह थी। अब जंगल में टहलते हुए दो बच्चे वहां पर आ गए थे। वहां उन दोनों पर एक जंगली भालू हमला करता है, पर लकीली वह दोनों बच्चे बच जाते हैं। अब उस हादसे के 7 साल बाद की कहानी दिखाई गई है, जहां रोवन नाम का लड़का अलास्कन शहर में आता है। रोवन वहां अपनी फ्रेंड मैरी से मिलता है। मैरी बहुत वरिड थी क्योंकि उसका हस्बैंड जॉनी कुछ दिनों से लापता था। जॉनी को आखिरी बार अलास्कन जंगल की ओर जाते हुए देखा गया था। मैरी का मानना था कि जॉनी जरूर अलास्कन जंगल में ग्रिजली मेज नाम की जगह पर फंस गया होगा, और ग्रिजली मेज में रोवन और उसका भाई ब्रैकेट पहले भी जा चुके थे। दरअसल रोवन वही लड़का था जो मूवी की स्टार्टिंग सीन में उस भालू के हमले से बच गया था। रोवन मैरी से प्रॉमिस करता है कि वह जॉनी को जरूर ढूंढ लेगा। अब रोवन वहां से अपनी होटल रूम पर आता है। रोवन के पास एक गन भी थी। इसी बीच उसी अलास्कन जंगल का सीन दिखाया गया है, जहां पर 3 शिकारी भालुओं का शिकार करके उनके पंजे काट रहे थे। वो लोग भालुओं के नाखून और चमड़ी निकालकर बेचते थे। उन शिकारियों में मैरी का हस्बैंड जॉनी भी था, जो इस काम में शिकारियों की मदद कर रहा था। उन्होंने सिर्फ 4 दिन में 7 भालुओं का शिकार किया था। यह देखकर जॉनी बाकी 2 शिकारियों से कहता है कि अब हमें भालुओं का शिकार बंद करना होगा, वरना हम सब पकड़े जाएंगे। पर वह दोनों शिकारी जॉनी से कहते हैं कि यहाँ भालुओं का शिकार करने के लिए हमने तुम्हें काफी पैसे दिए, तो तुम यहाँ से अभी वापस नहीं जा सकते। यह सुनकर जॉनी उन्हें कहता है कि अब उसे और पैसे नहीं चाहिए। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। अब वहां पर एक शिकारी गुस्से में जॉनी पर गोली चलाता है। वहां जॉनी घायल हो जाता है। वो समझ गया था कि वह दोनों शिकारी उसे मार देंगे, तो जॉनी वहां एक शिकारी को मार देता है। वही दूसरा शिकारी कैबिन के पास खड़ा था, तभी वहां पर एक बड़ा भालू आकर उस शिकारी पर हमला करता है। उस वक्त जॉनी वहां से बच निकलता है। वही दूसरी ओर रोवन होटल में अपने कमरे में था, तभी उसे बाहर किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वो देखता है कि एक शख्स किसी लड़की को मार रहा था। यह देखकर रोवन उस लड़की को बचाने के लिए बाहर आता है। वहां पर रोवन उस शख्स की धुलाई करता है, पर तभी वहां पर शेरिफ आकर दोनों को अरेस्ट करते है। वो शेरिफ रोवन का बड़ा भाई ब्रैकेट ही था। ब्रैकेट रोवन से पूछता है कि आखिर 7 साल बाद अचानक वापस अलास्का क्यों आए हो, पर रोवन ब्रैकेट के सवाल का जवाब नहीं देता। अब ब्रैकेट रोवन को लेकर अपने घर आता है। दोनों भाइयों में आपस में ज्यादा नहीं बनती थी। ब्रैकेट रोवन से कहता है कि उसने मिशेल नाम की लड़की से शादी कर ली है, जो कि एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है। मिशेल डीप म्यूट थी, यानी कि वह बोली या सुन नहीं सकती थी। रोवन भी ब्रैकेट से कहता है कि वो यहाँ अपनी बेस्ट फ्रेंड मैरी के हस्बैंड जॉनी को ढूंढने के लिए आया है, जो कि अलास्कन जंगल में ग्रिजली मेज की ओर गया था। वही दूसरी ओर अलास्कन जंगल में बर्फीला तूफान चल रहा था। वहां पर 2 लक्कड़हारे पेड़ काटने के लिए आए थे। दोनों अलग अलग जगह पर पेड़ काट रहे थे और पेड़ काट कर अपनी ट्रक में ले जा रहे थे। वहां पर उनका कुत्ता भी था, जो अचानक भौंकने लगता है। अब वहां पर एक लक्कड़हारा अपने साथी को बुलाता है, पर वो कोई जवाब नहीं दे रहा था। तो वो वहां आकर देखता है तो उसके साथी को किसी जानवर ने मार डाला था। वहां पर उसका सिर्फ कटा हुआ हाथ ही था। यह देखकर वो डर जाता है। अब वो कुछ कर सके उससे पहले वहां पर एक भालू आकर उस दूसरे लक्कड़हारे को भी मार देता है। वही दूसरे दिन मिशेल उसी जंगल में फोटो खींच रही थी। मिशेल डीप म्यूट थी, तो उसे पता नहीं चल पाता कि वहां पर एक भालू उसका पीछा कर रहा है। वही दूसरी ओर ब्रैकेट रोवन को उस जंगल के करीब ड्रॉप करता है और उसे कहता है कि जॉनी की तलाश में ज्यादा दूर मत जाना, अगर वो ना मिले तो तुम घर वापस आ जाना, हम सब एक टीम लेकर उसे ढूंढने जाएंगे। वही ब्रैकेट रोवन से कहता है कि अब से होटल में भी रुकने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे घर पर ही रुकना। इतना कहकर ब्रैकेट वहां से चला जाता है।
वही ब्रैकेट को न्यूज मिलती है कि जंगल में दो लक्कड़हारों को किसी जानवर ने मार डाला है, तो ब्रैकेट हादसे की जगह पर आता है। वहां पर ऑफिसर सुली ब्रैकेट से कहते हैं कि उन दोनों को एक जंगली भालू ने मारा है। सुली कहता है कि यह कोई साधारण भालू नहीं है, इसी भालू से डरकर लोग ग्रिजली मेज की ओर नहीं जाते। यह सुनकर ब्रैकेट वरीड हो जाता है क्योंकि उसी जंगल में उसकी वाइफ मिशेल और उसका भाई रोवन गए हुए थे। वहां डगलस ब्रैकेट से कहता है कि वह उस जंगल में मिशेल और रोवन को ढूंढने में उसकी हेल्प करेगा, पर उस भालू का शिकार करके उसे वो अपने साथ ले जाएगा। दरअसल डगलस एक बूचर यानी कि कसाई था। यह सुनकर ब्रैकेट उसे कहता है कि भालू का शिकार करना इलीगल है और वह बिना वजह किसी जानवर का शिकार नहीं करने देगा। डगलस एक अच्छा ट्रैकर और शिकारी था। वो कहता है कि यह भालू पकड़ना इम्पॉसिबल है, चाहे तुम कितने भी ट्रैप बिछाओगे फिर भी वह जाल में नहीं फंसेगा, तो अच्छा यही रहेगा कि मुझे अपने साथ ले जाओ। पर ब्रैकेट डगलस को मना कर देता है। और वहां पर रोवन की एक्स गर्लफ्रेंड कैली भी थी, वो ब्रैकेट के साथ जंगल में जाने के लिए रेडी हो जाती है। अब वो दोनों जरूरी हथियार लेकर अलास्कन जंगल की ओर निकलते। वही दूसरी ओर मिशेल को दिखाया गया है जो उसी जंगल में घूम रही थी। उसे वहां पर ठीक उसके सामने एक भालू दिखाई देता है। मिशेल वहां से भागने की कोशिश करती है पर वो वहां पर भालू पकड़ने के लिए बनाए गए एक ट्रैप में फंस जाती है। यह ट्रैप शायद जॉनी और वह शिकारियों ने बनाया था। अब वो भालू मिशेल की ओर बढ़ रहा था। वही मिशेल भी समझ गई थी कि अब उसका बचना इम्पॉसिबल है, पर तभी वहां रोवन आकर उस भालू पर गोलियां चलाता है जिससे भालू वहां से भाग जाता है। रोवन के राइट टाइम पर आने की वजह से मिशेल बच गई थी। मिशेल लिप रीड कर सकती थी। रोवन उसे कहता है कि वो ब्रैकेट का छोटा भाई है। रोवन मिशेल को उस ट्रैप से छुड़ाता है और दोनों वहां से चले जाते हैं। वही दूसरी ओर सुली और डगलस उसी जंगली रिंच को खत्म करने की बात कर रहे थे। तभी शेरिफ को उनके एक ऑफिसर का कॉल आता है। वह सुली से कहते हैं कि उसे यहाँ पर जॉनी की कार मिली है, पर जॉनी कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रहा। वह सुली को कार की डिटेल दे रही थी। तभी वह भालू उस ऑफिसर पर हमला करता है जिससे वो चिल्लाने लगती है। उसकी चीखें सुली को भी कॉल पर सुनाई दे रही थी। आखिर भालू उस ऑफिसर को खींच के ले जाता है। अब शेरिफ समझ गए थे कि जरूर भालू ने ऑफिसर पर हमला किया है, तो वो डगलस और अपने बाकी साथियों को लेकर वहां जाने के लिए निकलते हैं। सुली भी ब्रैकेट को कॉल करके इन्फॉर्म करते हैं कि उस भालू ने फिर से हमला किया है और हमारी एक ऑफिसर को मार डाला, तो तुम भी अपना ख्याल रखना और जितना हो सके उतना जल्दी अपने भाई और अपनी वाइफ को ढूंढ कर वापस आ जाओ। अब ब्रैकेट वहां एक गन कैली को देता है। वही एक ऑफिसर सुली से पूछता है कि डगलस भालुओं का शिकार क्यों करना चाहता है, तो सुली कहते हैं कि कुछ साल पहले डगलस अपने चार शिकारी फ्रेंड के साथ एक भालू का शिकार करने ग्रिजली मेज गया था। उसके फ्रेंड स्किल्ड हंटर थे, पर फिर भी वहां भालू ने डगलस के सभी फ्रेंड को बेरहमी से मार डाला। उस भालू ने डगलस पर भी हमला किया, पर उस वक्त डगलस ने एक बड़े चाकू से भालू का गला चीर डाला। वो भी घायल हो चुका था, पर उसने आखिर उस खतरनाक भालू को मार दिया। करीब एक महीना हॉस्पिटल में गुजारने के बाद वो वापस आया तो पूरा बदल चुका था। अपने सभी शिकारी फ्रेंड खोने के बाद बस उसका एक ही मकसद हो गया था कि उसे बस सभी भालुओं का शिकार करना है, और बस तब से वह भालुओं का शिकार करता है। वही दूसरी ओर ब्रैकेट और कैली भी ग्रिजली मेज के करीब आ चुके थे। वहां पर उन्हें धुआं उठता हुआ दिखाई देता है। ब्रैकेट देखता है कि वहां पर उसकी वाइफ मिशेल थी जो बिल्कुल सही सलामत थी। उसे देखकर ब्रैकेट खुश हो जाता है। वही कैली भी रोवन से मिलती है। आखिर सब लोग सेफ थे। वहां पर रात हो चुकी थी तो सब लोग फायर कैंप लगाकर वहां पर बैठे थे। तभी रोवन अपनी बैग लेकर वहां से जाने के लिए निकलता है। उसे बैग पैक करते देखकर ब्रैकेट उसे पूछता है कि तुम कहां पर जा रहे हो, तो रोवन कहता है कि वह जॉनी को ढूंढना चाहता है। उसे अब तक वापस घर आ जाना चाहिए था, पर ब्रैकेट उसे कहता है कि उस भालू ने तीन लोगों को मार डाला है, तो अब वहां पर जाना ठीक नहीं होगा। पर रोवन कहता है कि उसने मैरी से प्रॉमिस किया है कि वह जॉनी को जरूर वापस लाएगा, तो ब्रैकेट कहता है कि आज रात यहीं पर रुक जाओ, कल सुबह हम साथ जॉनी को ढूंढने निकलेंगे, तो रोवन वहां पर रुक जाता है। वही उस जंगल में डगलस भी उस भालू का शिकार करने आ गया था। अब रात के वक्त ब्रैकेट और बाकी लोग कैंप पर सो रहे थे। तभी वो भालू वहां आकर कैली पर हमला करता है और उसे टेंट के साथ खींचकर ले जा रहा था, पर तभी रोवन एक चाकू से कैली को कैंप से निकाल देता है। वहां ब्रैकेट और रोवन मिलकर उस शिकारी भालू पर गोलियां चलाते, पर वो वहां से बच निकलता है।
अब दूसरे दिन वो सब जंगल में जॉनी को ढूंढने के लिए निकलते तो उन्हें वहां पर हिरन और दूसरे जानवरों की हड्डियां दिखाई देती है। इन सभी जानवरों का शिकार उसी भालू ने किया था। ब्लैकेट सबको कहता है कि यह उस भालू का किलजोन एरिया है, तो हमें अब ज्यादा सावधान रहना होगा। अब वो सब आगे बढ़ रहे थे तभी उन्हें वहां पर डगलस दिखाई देता है जिसने अभी एक भालू का शिकार किया था। यह देखकर ब्लैकेट उस पर गुस्सा करता है और उसे वार्निंग देता है कि अगर फिर से उसने बिना वजह किसी भी भालू का शिकार किया तो वह उसे अरेस्ट कर देगा। पर डगलस कहता है कि यह एक शिकारी जानवर है और अगर हमने उनका शिकार नहीं किया तो वो हमारा शिकार करेगा। यहाँ साफ दिखाई दे रहा था कि अपने शिकारी फ्रेंड के मरने के बाद डगलस पूरा पागल हो चुका था। ब्लैकेट डगलस की गन डिस्ट्रॉय करके उसे फेंक देता है जिससे वह फिर से किसी भालू का शिकार ना कर सके। उस वक्त डगलस वहां से चला जाता है। वही दूसरी ओर ब्लैकेट और बाकी सब वहां एक झरने के करीब आ गए थे और धीरे धीरे वो लोग आगे बढ़ रहे थे तभी उन्हें वहां वो भालू दिखाई देता है जो उनकी ओर आगे बढ़ रहा था। यह देखकर केली डल जाती है और उसका कंट्रोल चला जाता है। वो वहां से फिसलकर नीचे गिरती है जहां एक नुकीली लकड़ी उसके पैर में घुस जाती है। अब वो सब नीचे केली के पास आते हैं। उसे काफी चोट लगी थी, वही उन्हें पता था कि वह भालू उनके करीब है तो वह केली को लेकर वहां से निकलते है। केली का पाव जख्मी हो गया था तो वो अब चल नहीं सकती थी। वो सब एक तालाब के पास आकर रुकते है। वहां ब्रैकेट ऑफिसर सुली से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है पर वो अब ग्रिजली मैच के मिडल में आ चुके थे तो ऑफिसर सुली से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। वहां से आगे बढ़ते हुए उन्हें जंगल में कैबिन दिखाई देता है। यह वही कैबिन था जहां पर वह शिकारी भालुओं का शिकार करके उनके पंजे और चमड़ी निकाल देते थे। वो सब कैबिन के अंदर आते तो उन्हें वहां भालू के पंजे दिखाई देते। यह देखकर ब्रैकेट समझ गया था कि यह कैबिन शिकारियों का था। वही उन्हें वहां पर एक डेड बॉडी मिलती है जिसे भालू ने चबा लिया था। यह डेड बॉडी उसी शिकारी की थी जिसने जॉनी पर गोली चलाई थी। ब्रैकेट कैबिन से बाहर आकर देखता है तो वहां करीब 7 मरे हुए भालू थे। यह देखकर ब्रैकेट सबको कहता है कि इसी वजह से वह भालू जंगल में घूम रहा है, शायद यह सभी बच्चे उसी के है और बच्चों को ढूंढते वक्त जो भी रास्ते में आता है उसे वह भालू मार देता है, तो अच्छा यही रहेगा कि हम सब यहाँ से चले जाए क्योंकि वो भालू यहाँ भी किसी भी वक्त आ सकता है। आखिर वो सब वहां से निकलते है। आगे उन्हें एक बड़े पेड़ पर एक दूसरी डेड बॉडी मिलती है। वो डेड बॉडी देखकर ब्रैकेट समझ गया था कि वो डेड बॉडी जॉनी की थी। भालू से बचने के लिए वह एक बड़े पेड़ पर चला गया था, फिर भी उस भालू ने उसे मार दिया। अब वहां पर डगलस भी आ जाता है। वो ब्रैकेट से कहता है कि यह सभी शिकार सिर्फ एक ही भालू कर रहा है। डगलस कहता है कि उसने एक कैबिन देखी जिसमें 7 भालू के बच्चे किसी ने मार दिए थे। यहाँ पर डगलस एक ऐसी बात करता है जिससे ब्रैकेट चौंक जाता है। डगलस कहता है कि ऑफिसर सुली को पता था कि ग्रिजली मेज में कुछ शिकारी भालुओं का शिकार करके उनकी चमड़ी और नाखून निकालकर बेचते थे। दरअसल सुली ने ही उन शिकारियों को ऐसा करने की परमिशन दी थी ताकि जो भी पैसा उन शिकारियों को मिले उसमें सुली का भी भाग था। डगलस सबको कहता है कि वो इन शिकारियों जितना बुरा नहीं है। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। अब डगलस अपना घोड़ा लेकर जंगल में आगे बढ़ रहा था। उसके पास गन थी जो वो उस भालू का शिकार करने के लिए लेकर आया था। वो भालू भी डगलस के पीछे था और डगलस इस बात से अनजान था। वही रोवन और ब्रैकेट को जंगल में गन शॉट की आवाज सुनाई देती है तो वो उस आवाज की ओर आते है। वहां पर डगलस का घोड़ा किसी से डरकर भाग रहा था। रोवन और ब्रैकेट समझ गए थे कि जरूर डगलस खतरे में। उन्हें वहां पर डगलस का जैकेट और उसके स्पेक्टेकल्स मिलते यानी कि शायद डगलस अब मर चुका था। अब रोवन और ब्रैकेट मिशेल और केली के पास आते। रोवन ब्रैकेट से कहता है कि वह भालू हमारे करीब है और हम सब यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे, तो वो कहता है कि उसे यहाँ पर भालू का ध्यान बटाने के लिए रुकना होगा। ब्रैकेट उसे मना करता है पर रोवन कहता है कि उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं, वो भी जल्द ही वापस घर आ जाएगा। अब घायल केली को यहाँ से जल्द ही ले जाने की जरूरत थी तो ब्रैकेट केली और मिशेल वहां से निकलते है। वही रोवन को वह जंगली भालू दिखाई देता है तो वो उस पर निशाना लगाता है पर वो निशान चूक जाता है। अब वो भालू वहां से भाग जाता है। रोवन उस भालू को ढूंढ रहा था पर तभी अचानक से वह भालू रोवन की ओर आगे बढ़ रहा था जिससे डरकर रोवन वहां से भागने लगता है। अब इस सिचुएशन में वह भालू पर निशान भी नहीं लगा सकता था। आखिर आगे नीचे एक तालाब उसे दिखाई देता है तो रोवन जंप लगाकर उस तालाब में गिरता है। वो भालू उस वक्त वहां से चला जाता है। वही दूसरी ओर ब्रेकन केली और मिशेल वहां से बाहर आ रहे थे तभी वो भालू उनकी ओर आ रहा था।
यह देखकर ब्रैकेट कैली को अपनी पीठ पर बैठाकर वहां से भागता है। वहां आगे जंगल में कोहरा था जिससे ब्रेकन और कैली मिशेल से अलग हो जाते। मिशेल उस कोहरे में ब्रेकन को ढूंढ रही थी पर उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, पर वो बालू मिशेल के करीब था। वो अब ठीक उसके सामने खड़ा था। मिशेल बालू को देखकर डर जाती है और वो भागना चाहती थी, पर डर के मारे वह नीचे गिर जाती है और रोने लगती है। वही वो बालू अब मिशेल को अपना शिकार बनाने जा रहा था। तभी वहां पर ब्रेकन और कैली आ जाते। ब्रेकन उस बालू पर गोली चलाता है पर गोली एक पेच से लगती है। वही अब उसकी गोलियां भी खत्म हो चुकी थी, पर तभी वहां डगलस आ जाता है जो कि घायल हो चुका था। वह अपनी गन से उस बालू पर गोली चलाता है। उस वक्त गोली उस बालू को लगती है पर अब वो बालू तेजी से डगलस की ओर आगे बढ़ रहा था। डगलस बालू पर फिर से गोली चलाता है पर बालू आखिर करीब आकर डगलस पर हमला करता है। उस वक्त ब्रेकन कैली और मिशेल वहां से भागते है। वही उस बालू ने डगलस की बॉडी को बुरी तरह से नोच डाला था। अब ब्रेकन सबको लेकर वहां से निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था। वो वहां एक तालाब के पास आता है। वहां पर एक बोट पड़ी हुई थी जो कि ऑफिसर सुली की थी। ब्रेकेट कैली और मिशेल वह बोट लेकर वहां से निकलने की तैयारी कर रहे थे। तभी वहां पर ऑफिसर सुली आ जाता है। ब्रेकेट उसे कहता है कि डगलस उस बालू का शिकार बन चुका है। वही ब्रेकन सुली से कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में पता चल गया है कि तुम शिकारियों के साथ थे। यह सुनकर सुली कहता है कि हाँ, मैंने शिकारियों से पैसे लिए थे क्योंकि कुछ ही महीनों में मैं रिटायर होने वाला था। वो ब्रेकेट को कह रहा था कि वो मजबूर था, पर तभी वहां वो बालू ब्रेकेट की ओर आ रहा था। उस वक्त सुली ब्रेकेट को वहां से हटने के लिए कहता है और अपनी गन से बालू पर गोली चलाने ही जा रहा था, पर वो बालू उस पर हमला करता है। बालू ने सुली को पकड़ लिया था। वही ब्रेकेट भी समझ गया था कि वो अब सुली को नहीं बचा पाएगा, तो वह बोट में आ जाता है, पर तभी उन्हें वहां रोवन दिखाई देता है। ब्रेकेट उस वक्त बोट पर रखे हुए फ्यूल पिप अपने साथ ले जाता है। वही उस बालू ने सुली के चेहरे को अपने मुंह में दबोच लिया था। आखिर वो बालू सुली को मार देता है। सुली को मारने के बाद वह बालू अब रोवन की ओर आगे बढ़ रहा था। वहां ब्रेकन आकर बालू के आसपास वह फ्यूल डालने लगता है। आखिर ब्रेकन और रोवन मिलकर बालू के पास एक सर्कल बना देते और वहां पर आग लगा देते। अब वो बालू एक फायर सर्कल में फंस चुका था। वो बालू अब भी रोवन और ब्रेकन की ओर देख रहा था और काफी गुस्से में था। अब रोवन और ब्रेकन वहां से बोट की ओर आ रहे थे, पर तभी वह बालू उस फायर सर्कल से बाहर आ जाता है और तेजी से उस बोट की ओर आ रहा था। अब वो सब बोट लेकर वहां से निकल सके उससे पहले बालू बोट पर हमला करता है जिससे सब लोग पानी में गिरते। वो बालू कैली पर हमला करने जा रहा था, पर तभी रोवन एक चाकू से बालू पर वार करता है, तो बालू अपने पंजे से रोवन पर वार करता है। रोवन यहां पर फंस चुका था, पर तभी ब्रेकेट वहां आकर एक कुल्हाड़ी से बालू पर वार करता है, पर बालू रोवन को नहीं छोड़ रहा था। आखिर रोवन वहां पर एक चाकू से बालू के गले पर वार करता है और वह चाकू बालू के गले में घुसा देता है जिससे वह बालू तड़पने लगता है और आखिर वो बालू वहां पर खत्म हो जाता है। वही रोवन को भी काफी चोट लगी थी पर वो ठीक था। आखिर उन्होंने ग्रिजली मैच के उस खतरनाक बालू को मार दिया था और अब ब्रैकेट मिशेल कैली और रोवन सेफ थे। और बस यही पर इनटू द ग्रिजली मैच मूवी खत्म हो जाती है। यह 2015 में रिलीज हुई इनटू द ग्रिजली मैच मूवी को IMDb पर 5.3 आउट ऑफ 10 स्कोर मिला है। वही रोटन टोमेटो पर इसे 36% एंड ऑडियंस स्कोर 24% मिला है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और मेरे लिए कोई भी सजेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।